और आप देखो कितनी तेज बारिश हो रखी है। इस कहाँ जा रहे हैं हम? फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और आपको बता देते हैं किसका बर्थडे है। उषा का बर्थडे। पूरा कैफे का टूर करवाता हूँ मैं। केक लेने के लिए जहाँ पे हमने केक रखा था। और मोहन जवाबदार है। तंदूर की रोटी। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, जय महाकाल ब्लॉग में। अभी गाइस आपका हो गया है 6:01 और अभी ब्लॉग की शुरुआत भी कर रहा हूँ मैं। कपड़े मैंने कल दिए थे, भैया ने अभी सिल के रेडी कर दिए हैं। अभी एक बार देखता हूँ। तेज बारिश हो चुकी है, मैं कैसे जाऊँ? मैं यही सोच रहा हूँ, मेरा टाइम पे मैंने एंट्री मार दिया। और आप देखो कितनी तेज बारिश हो रखी है। इस बार पहली बार इतनी तेज बारिश देख रहा हूँ। और इस साइड को देखो कितनी खतरनाक बारिश दिख रही है आपको। मतलब 3-4 साल में मैं इतनी तेज बारिश पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं। और साइकिल भी मेरी बिक चुकी है, जिसकी साइकिल मैं लेके आया था सामने। बारिश को लगती है आधा घंटा हो गया है, अभी तक बारिश बंद हो ही नहीं रही है। अब मैं यहाँ कैसे जाऊँ, यहाँ से कैसे निकलूँ? जब बारिश बंद होगी तभी मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं भीगने बिल्कुल भी नहीं चाहता। भीग जाऊँगा तो मोबाइल भीग जाएगा, बहुत कुछ बर्ड से भीग जाएंगे। कुछ मेरे पास ही चीज़ें हैं जो भीगने वाली हैं, इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बारिश की वजह से मौसम कितना साफ हो रखा है। जो कोहरा हुआ लगा था हल्का हल्का, सब गायब हो चुका है। और सुंदर सी धूप आ रखी है, देख सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? हैप्पी बर्थडे। किसके बर्थडे में? क्या बर्थडे है? उषा ब्लॉग का। कहाँ है वो? कहाँ है? अभी चली गई है। अभी कहाँ है? अभी तैयार हो रहे हैं। और तुम भी तैयार हो गए ना? हाँ। चलो चलो। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और आपको बता देते हैं किसका बर्थडे है। उषा का बर्थडे है। और आप जानते होंगे, आपने पहले वाले ब्लॉग में थोड़ा बहुत देखा होगा, उसमें तीन वाला ब्लॉग हुआ था शूट, उसमें देखा होगा आपने। अभी हम तैयार हो चुके हैं और ये पूरा सेलिब्रेट जाता है प्रदीप को और उषा को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और जो शूट कर रहा है मोहन कर रहा है, और भी देख सकते हो शिवानी भी रेडी हो चुकी है। अभी तो हम जाएंगे पहल का, आपका भाई रेडी हो चुका है। एक बार मेरा लुक दिखा दिया यार, भाई कैसा दिखता हूँ। अभी आपका 6:33 हो रखा है, हम रेडी हो चुके हैं, मोहन जी मैं भी। और देख सकते हैं यहाँ पे मोहन है, पसीना पसीना। और गर्मी तो लगी रहती है, ये चीज़ें तो लगी रहेंगी मोहन यार, ये चीज़ों को हम वो नहीं कर सकते हैं। और ओसो एक बात बोलते हैं, आप जितनी अच्छी एक्टिंग करोगे वो आपके लिए बेटर है ना मोहन। एक लाइव मतलब मैं अपने अनुमान से जो बता रहा हूँ, जितना मैं ओसो सुनता हूँ, एक एक्टिंग करनी है आपको, अच्छा प्रेजेंट करना है यार। मोहन तो हमेशा आपको परेशान करते रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा। और देखते हैं इस माहौल में मैं जितना अच्छा दिखा पाऊँ, जितना अच्छा शूट कर पाऊँ। और अभी चलते हैं नीचे और आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाते हैं, मस्त मस्त। मोहन की स्माइल देखिए। मोहन आप पे क्या लिया आपने? क्या इसके अंदर कुछ बता दो, बताइए आप। मैं यहाँ पे आपके सामने पैक हुआ है और जो उनको पूरा इनपे जाता है पूरा जो बर्थडे सबका। नहीं भी रेडी रेडी हो चुके हैं, प्रदीप भी रेडी हो चुका है और मोहन भी रेडी हो चुका है। कुछ बोलेंगे हमारे दो शब्द बोलिए मोना। आज आज का दिन क्या है, मतलब कुछ खास? आज बर्थडे सेलिब्रेशन में जाएंगे। हाँ, और पार्टी में। हाँ, और आप देख सकते हैं मौसम, बारिश की बात का मौसम, सुहाना मौसम। हाँ, आपको अच्छा लगा आज? बहुत तेज बारिश हुई ना? हाँ, बहुत तेज बारिश हुई, उसके बाद की धूप। थोड़ा दिखा दो मौसम, दिखा दो। जी जी, ठंडी हवाएं चल रही है गाइस। हाँ, और आपको पता है अभी हम बहुत जल्दी कुछ अच्छा ट्रिप करने वाले हैं। जब गाँव में जाएंगे ना तो साथ में रहेंगे। अब तो हमारे पास बहुत कुछ वीडियोस आएंगी, अभी एडवेंचर आएंगी, हम कैंपिंग भी करेंगे। अभी तो खतरनाक कैंपिंग करनी है भाई। हाँ, रात में जंगल में। हाँ, बहुत जल्दी आपको जुड़ी। और अपने अपने चैनल के बारे में भी कुछ बता दो, मैं इस टाइम पूछना चाह रहा हूँ। बहुत हो गया है, मतलब कब तक आपका चैनल, मतलब जो गाना संगीत वाला चैनल, कब करूंगा भाई? कब करोगे, मतलब कब तक आपको, मतलब गाना आएगा कन्फर्म? कब कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। ठीक है, ओके। कब का कोई? और अपने चैनल का नाम भी बता दो। चैनल का नाम फर्स्ट वीडियो डलेगी, चैनल का नाम आ जाएगा सर। अभी पहले कहना टीम ही रहता। ओके, बातें बड़ी बड़ी बड़ा पाप करते, बड़ी बड़ी बात। ओके, और अभी चलो कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आ रहे हैं, मतलब दीदी लोग हो गया, भाभी लोग हो गए, और शिवानी आपने देख लिया तैयार हो गई, वो तैयार हो रहे हैं मस्त करके, और हम भी तैयार हो चुके हैं। आपको बताया लड़कों का तो
दो मिनट का काम होता है तैयार होने में, हम तो दो मिनट में हो जाते हैं, और लड़कियों का बहुत टाइम लगता है वो आपको पता है। चलो अभी कुछ देर बाद मिलते हैं आपसे, तब तक आप देखते रहिए जय महाकाल ब्लॉग्स। आपको बोल बोल बोल। और शिवानी अभी शर्मा रही है, अभी क्यों छोटी छोटी है, बहुत मैं कोशिश करता हूँ कि बोल भाई ब्लॉग में, अभी बोल भी नहीं पाती अच्छे से, और सब बहुत रिएक्ट करते हैं बच्चे हैं तो। और आपका भाई चश्मा लगा कैसा लग रहा है बताना मुझे कमेंट करके, आज तो क्या ही बोले सर। और गाइस आप मुझे बताओ चश्मा कैसा लग रहा है, मस्त दिख रहा है ना? और चश्मा है भैया का भाई, जो आप ब्लॉग में नहीं आना चाह रहे हैं, कुछ प्राइवेसी होती है, मैं कोशिश करूंगा उनको भी लाने की। आपको पता है आपका भाई तड़का मचाई देता है, कुछ ना कुछ यूनिक करता है, और भी ट्राई कर रहे हैं कुछ यूनिक करने की, अभी शुरुआत है। फाइनली गाइस हम बाहर आ चुके हैं, अब हमको यहाँ से हमें बुलाएगा प्रदीप, फिर जाएंगे हम दोनों। हम दोनों नहीं, बहुत लोग हैं, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम ब्लॉग में ना आए, प्राइवेसी है। और मैं आपको जो लोग नहीं आना चाहते जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोशल मीडिया का मामला है, आप लोग समझते हैं। आपको जो बात की जो चीज़ अगर डल गई डल गई। और अभी हमने गाड़ी भी अपना बुक कर दी है, मतलब ओलो से बुक की है, और अभी 5 मिनट दिखा रहा है, और देखते हैं अभी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टाइम लगता है, और अभी आज तो बारिश का मौसम था इसलिए कुछ ज़्यादा ही। गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब भैया भी शुरू हो गए हैं अपना, भैया चलो आप पे आराम से पहुंचा दो हमें सेफली, और मोहन के पास तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के साथ ही मरना है भैया। कुछ गाने आने चला दो। द मेट्रो से आगे निकल चुके हैं, और अभी हमें लगेगा 10 मिनट और लगेंगे पहुँचने में, और जिनका बर्थडे है वो तो पहले से ही पहुंच चुके हैं, और जो पूरा जिसने ये कर रखा है वो भी उन्हीं के साथ आ रहा है, और 7:40 हो रखा है, और देख सकते हैं कितना सारा जाम हो रहा है बाहर। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं अंदर, और यहाँ से एंट्री हो चुकी है गेट, अभी चलते हैं अंदर, और मोहन जा रहा है आगे से, बहुत सुंदर है देख सकते हैं, अभी अंदर चलते हैं। और मुझे लगता है मुझे पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग करके ब्लॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा शोर हो रहा है देख सकते हैं आप। बाहर से ये दिखता है, और इसके अंदर है कैफे, हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी तैयारी पहले से सब कुछ हो रखा है, और अभी जो जिसका बर्थडे है वो उन्हीं का इंतजार है, और आपको दिखाता हूँ कैसे तैयारी उन्होंने कर रखी है। नाम लिखा है देख सकते हैं ऊषा करके, हैप्पी बर्थडे करके, और सामने केक कटेगा अभी, और जितना होगा मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में। गाइस देख सकते हैं ढुमके लगा रहा है, डिंगल डिंगल। कैफे का नाम है बिग ग्रीन कैफे, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत सुंदर, आप खुद ही देख सकते हैं। और कुछ आप अपने अनुमान से बता दो, मुझे दिख ही रहा है मगर फिर आप बालों में हाथ क्यों लगा रहे हो, खुल के बोलो ना। बहुत अच्छा, वंडरफुल। अभी तो शुरुआत है बड़ा, वाक्यों में अभी शुरुआत है, कैफे बिल्कुल दिखा सकते हैं आप। हाँ हाँ, ये है फाउंटेन, पूरे कैफे का टूर करवाता हूँ मैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे फुहारे लगा रखे हैं पानी के, जिससे ये बहुत सुंदर दिख रहा है, देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है। यहाँ पे बर्थडे का भी देख सकते हैं, ऐसी सजावट करते हैं, और कैफे की जितनी तारीफ करें उतना कम है, देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। अभी शिवानी में और मैं बैठे हुए हैं साथ में, और शिवानी को हम पिलाएंगे पानी, और पानी पियो मस्ती करके, ठीक है। आपको थोड़ा साउंड सुनाई दे रहा है गाने का, और जो साउंड लगा है वो सामने लगा है, और ऊपर देख सकते हैं आप कितना प्यारा दिख रहा है, और इस साइड को देखो यहाँ पे टेनिस बॉल खेलने का भी सिस्टम आया देखा, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, और ऊपर से कितना प्यारा दिख रहा है देख सकते हैं। अच्छा, और कैफे के अलावा साइड में गैस दिखाओ, यहाँ पे क्या है? गोल्फ कोर्ट दिखाओ, और यहाँ पे पूरा वो चल रहा है ना गोल्फ, वो खेलते हैं गेम, इसको गेम है, कौन सा गेम है यार, क्या बोलते हैं, गोल्फ है, ये अमीरों का गेम है भाई। अच्छा, और बहुत सारे लोग खेल भी रहे हैं वहाँ पे देख सकते हैं, और रात में कितना प्यारा दिख रहा है ना। और इस साइड को हल्के फुल्के आपको फ्लैट दिख रहे होंगे देख सकते हैं, इस साइड से कितना प्यारा दिख रहा है। कुछ बोल दो यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत, आपको कैसे महसूस हो रहा है यहाँ पे? माहौल एकदम रंगीन हो रहा है भाई। अच्छा, माहौल ही बना दिया, देखो कैफे कैफे बाकी में ड्रीम ही है। अभी मोहन और मैं आए
आते हुए दिखते हैं ना मोहन। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बहुत ज्यादा खुश है, मेरे एक्साइटेड एंड हैप्पी। हां, और जिनका बर्थडे है वो कहां है? वो आ रहे हैं पीछे से। हम पहले आ गए थे और पहुंच ही रहे हैं, बस ट्रैफिक में फंसे होंगे बेचारे। और आ रहे हैं, हम भी यहां आने में पूरा एक घंटा लगा ना। हां, ट्रैफिक था, बारिश की वजह से ज्यादा ट्रैफिक हो गया ना। चलो ठीक है, जो भी ऐसे ही है। हां, अभी चलते हैं, अभी शुरुआत है। और देख सकते हैं भैया कितना खतरनाक तरीके से बना रहे हैं, ये देखो। और आप देख सकते हैं बहुत मस्त माहौल है, और मुझे प्राइवेसी रखनी पड़ेगा। सॉरी, मैं ब्लॉग में नहीं दिखा सकता। जल बड़ी, आसमान बड़ी, सब बढ़िया है, मगर सॉरी सब मेरे सामने है। ए मोहन, जल बड़ी बन गया। केक लेने के लिए जहाँ पे हमने केक रखा था, और मोहन जा रहे हैं आगे से। चलो, और हमने रखा था केक यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत चील डोर है, देख सकते हैं। और यहाँ पे केक कटेगा, और गाइस सॉरी मैं दिखा नहीं सकता, प्राइवेसी है इसलिए। अभी दिखाएंगे केक तो दिखा देंगे। हाँ। चलो, और मोहन लेके चल रहे हैं आगे को। चलो चलो, केक हो गया। पूरा खत्म करना है, देख सकते हैं सबको दे रखा है। गर्मी हो रही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एक और बता, तुम बोलो कैसे लग रहा है? मैं तो यार क्या ही, और केक का भी हम आने दे रहे हैं। तैयारी केक खा लिया, और खाओगे तो खा। यहाँ पे सब कुछ सही है, मगर थोड़ा सर्विस में बहुत लेटी है, मतलब इतना अभी बीजू कुछ सीन हुआ था वो यहाँ पे, और इसलिए थोड़ा सर्विस मुझे लेट लगा। और जितना हो सके यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मैं देख रहा हूँ सर्विस में बहुत प्रॉब्लम है, इनको सुधार करनी चाहिए, ऐसे तो गेस्ट ही नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। ये भी कट चुका है, बहुत मस्त था, टाइम का पता नहीं चल रहा है। दीदी लोग बहुत दुखी है, और हमारी भाभी श्री भी बहुत दुखी है, इनको खुश करने के लिए मुझे बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है, इतनी एक्टिंग ही लेते हैं बनाने के लिए करनी पड़ती है। और अभी मैं भी कोर्स लग रहा है, और आपको भैया दिखाऊंगा कैसे सब करेंगे, और इनका यहाँ पे राइट हैंड क्या है, इस चीज़ के बारे में बहुत चीज बताऊंगा आपको। फूल की सफाई हो रही है, मेन कोर्स लगेगा, और यहाँ पे गिलास आ चुके हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? आप बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप दीदी से ज्यादा थक गए हो? थका नहीं हूं मैं, सो ड्यूटी आना है, कल छुट्टी है, एंजॉय। कल तो छुट्टी आपकी, एंजॉय करोगे बाबू? लगे रहो, काम करते रहो, छुट्टी नहीं होती। हाँ, वो तो हम लगे रहते हैं भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मुझे समझ रहा हूँ। मेन कोर्स आ चुका है हमारा, ये देख सकते हैं आप, आपदार है तंदूर की रोटी, और ये आपका ऑनियन और ग्रीन चटनी। अभी आपका 10:47 हो चुका है, बर्थडे सेलिब्रेट अच्छे से हो चुका है, डांस आंस भी हो गया है, अब देखते हैं थोड़ा बहुत गाने और बज रहे हैं, बहुत अच्छा रहा। 10:55 हो चुका है, और गाड़ी भी आ चुकी है, हम निकलते हैं सीधा घर। अभी आपका 11:30 हो गया है, और हम यहाँ पे आ चुके हैं, और इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट, तब तक देखते रहिए। जय महाकाल ब्लॉग्स। Bye.